हेलो गाइस, कुछ हम इस तरह से फ़ोटो एडिटिंग करना सीखेंगे जो आपको ना यूट्यूब का ड्रीम होता है, सबका भी सबका सब यूट्यूबर का ड्रीम होता है कि हम लोग को यूट्यूब के तरफ से प्ले बटन मिले। तो हम कुछ प्ले बटन के यूट्यूब के कुछ इस तरह से एडिटिंग करना सीखेंगे। तो ये मैंने किस तरह किया है आप लोग को मैं बताऊँगा, और सब पीएनजी एंड जो भी इसमें यूज़ किया है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली इसे डाउनलोड करके आप मतलब पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लो। इसके बाद सिंपली हम देख सकते हैं उसका बनाया है, मैंने खुद से बैकग्राउंड बनाया है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ऐड फोटो को देखकर अपना एक चेयर का पीएनजी लाएंगे। एक सेकेंड, मैंने ऐड फोटो को देखकर सिंपली ऐड फोटो का गया हूँ। यहाँ पे ऐड फोटो जाकर एक चेयर वाला पीएनजी ऐड कर लेते हैं, सॉरी पहले ये वाला ऐड कर लेते हैं जो स्क्रीन मतलब हमारा जो कुछ भी लैपटॉप कंप्यूटर पे भी चल रहा है। तो वहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये लाइट रूम का स्क्रीन शॉट लिया था, आप भी ले लेना। इस तरह से मतलब ऊपर से डाउन कर लेगा कर लेंगे, उसके बाद सिंपली ऊपर से डन कर लेंगे। सिंपली फिर से ऐड फोटो को जाकर हो गया, फिर से ऐड फोटो को जाकर सॉरी इस तरह से बनने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, फिर से ऐड फोटो को जाकर अपने जो जी आर वाला पीन दिखा है ये वाला सिंपली ऐड करना मतलब कर देना। उसके बाद सिंपली उसको साइज थोड़ा देख के अपने हिसाब से कर लेना सही से। आप चाहो तो इसके ऊपर भी बैठ के फोटो उठा के बैठ सकते हो, लेकिन मैं खड़ा हुआ था इसलिए मैं इस तरह से एडिटिंग किया। आप चाहो तो उस चेयर में बैठ कर भी फोटो कर सकते हो एडिटिंग। ये मेरे मॉडल का पीएनजी ऐड फोटो से जाकर ऐड फोटो जाकर ऐड कर लिया। वो चेयर थोड़ा बड़ा लग रहा है, चेयर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहा हूँ यार, चेयर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हो गया, अब ठीक लग रहा है। मैंने पहले से मॉडल को स्मूथ करके मतलब स्मूथ एंड जो भी हेयर का काम था कुछ कर लिया। आपको नहीं करना आता तो मेरे को कॉमेंट में बताओ, मैं उसका भी ट्यूटोरियल ले आऊँगा। मुझे इस तरह से डन कर लेना। ऐड करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाकर सॉरी इस बार हम ड्रॉ फोटो में जाएंगे, सर एक चैनल को ऐड फोटो जाते हैं। ऐड फोटो जाकर जो हमारा मतलब गोल्डन प्ले बटन है, सॉरी गोल्डन प्ले बटन ही है, तो सिंपली इसके ऊपर से मतलब बड़ा छोटा थोड़ा अपने हिसाब से साइज कर लेंगे कुछ इस तरह से। हाँ देखिए ठीक है, थोड़ा रोटे कर लेते हैं, सिंपली ऊपर से डाउन करके हम लोग को ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखो मैं सेटअप कर लेता हूँ, ये मेरा हो चुका है, कंफर्म हो गया। अब ऊपर से डाउन कर लेता हूँ जिसमें चाहिए मतलब इरेज, उसके बाद इरेज चाहकर इरेज सबको कर लेना है जी। इस तरह से इरेज कर लेंगे। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत बार मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो जो आगे के पार्ट चाहिए उस तरह से इरेज कर लेना, जिससे लगे कि हम उसे पकड़े हैं। इस तरह से इरेज कर लेना लेंगे, इसको इस तरह से इरेज कर लेना जैसे कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से इरेज कर लेना। हाँ कुछ इस तरह से इरेज करना, रोटेट हो रहा है बार बार, मैं रोटेट कंप्लीट से इरेज कर लेता हूँ पूरा ध्यान से, ये सब अच्छे से करना। ब्रश साइज बीच बीच में बड़ा छोटा कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ये सब अपने हिसाब से करना। सिंपली इरेज करते जाना है जहाँ तक कंप्लीट मेरा होने वाला है। अभी मैंने पूरा इरेज कंप्लीट कर लिया है, कुछ देख सकते हो इस तरह से मैंने इरेज कम्प्लीट करके ऊपर से को हैंडसेट में कर दिया। कुछ देख सकते हो आपको मतलब मैं उसे पकड़ा हूँ ऐसे ही लग रहा है। तो इस तरह से आप भी इरेज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, पीएनजी ऐड कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर का पीएनजी मेरे पास एक डोरेमोन का था। तो आप कुछ भी ब्लैक कलर का मतलब कुछ भी ले आना,
इमेज जेपीजी मेरी कुछ भी हो बस, और उसको शेडो बनाएंगे एक बार फिर डाउन करके 100% तो शेडो बनाएंगे थोड़ा थोड़ा लाइक इस तरह से, जिस तरह से कर रहा हूँ शेडो बनाएंगे क्योंकि रियल लगेगा थोड़ा इसे करने में, फोटो में एक रियल लुक आता है तो वैसे कर लेना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन कर लेना तो बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा आपने फोटो में इस तरह से ये मतलब प्रिंट कर लेना पेन लेना ऐड बड़ो गया तो ये पेन भी ऐड कर लेते हैं अपने करके आपके पास चलाएंगे और चला ये हो गया मेरा कम्प्लीट, इसका ऊपर से डाउन कर लेंगे कर लूँगा उसके बाद इसका डुप्लीकेट कर लेंगे जो वाला ऑप्शन को क्लिक करके डुप्लीकेट या जो मेरा डुप्लीकेट बन गया इस ऐड कर लेंगे इस तरह से बन गया सिंपल देख सकते हो फूल चल रहा है ना फोटो वैसे आपको इस तरह से करना है कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होगा एक लास्ट तीन ड्रीम है ये तो आपको लगाना है मेन पार्ट ही कंस्ट्रक्ट मतलब इसका मेन पार्ट ही है ड्रीम मतलब जो हम कर रहे हैं रीडिंग उसका मेन पार्ट ही है टेक्स्ट जरूर ऐड करना उसके बाद डॉक्टर में जाकर सिंपली अपने फ़ोटो को सेव कर लेना उसके बाद बैक कर लेंगे पूरा उसके बाद लाइट रूम ओपन कर लेंगे ये हो गया लाइट रूम ओपन जो एडिट किया था मैंने ऐड कर लेते हैं हाँ ये मैंने ऐड कर लिया सिंपली आपको भी ऐड कर लेना है इसमें कुछ खास नहीं करना है बस अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग करेंगे मतलब इस तरह से मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ अभी अपने हिसाब से कर लेना देख सकते हो कूल सा लग रहा है एकदम एकदम कूल सा लग रहा है मतलब थोड़ा नीचे से साइड शैडो बना लेता हूँ ज़्यादा लाइट आ रहा है नीचे तो थोड़ा ब्लैक कलर ब्लैक ब्लैक का कलर सा दे दूँगा इस तरह से सबका डाउन करके माइनस में रख के ब्लैक कलर से बन गया तो अपने हिसाब से कलर रेडिंग कर लेंगे फिर उनको सही करें अपने फोटो में इस तरह से करने के बाद देख लो मैं इस तरह से करूँ मैं ओपी वाला एडिटिंग लग रहा है भाई तो इस तरह से आप एडिटिंग करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर टैग करना मेरा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन के राइट साइड या लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा तो मुझे फॉलो भी कर लेना इस तरह से कलर में एडिटिंग को और कलर में एडिटिंग को ये सब कंप्लीट करना जैसे कुछ मैं अच्छा था मैं फोटो बन सकता है जिसको अच्छा था देख सकते हो एकदम कूल लग रहा है सेव कर लेंगे फोटो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई।